हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अभी मैं जस्ट सो को उठा थोड़ी देर पहले, और आज भाई बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ थार बुक कराने। मतलब मेरी थार नहीं है, मैं किसी के साथ जा रहा हूँ। जिसके साथ जा रहा हूँ वो मेरे बहुत क्लोज है, बट उन्होंने अभी नाम वगैरह रिवील करने के लिए मेरे को मना किया है, तो मैं वो आपको नहीं बताऊँगा कि कौन है। बट जब डिलीवरी होगी उस दिन तो मैं दिखाई दूंगा, बट अभी उन्होंने मना किया है कि मत बताइए सब, तो मैं अभी नहीं बता रहा। बट थोड़ी बहुत देर में नहा धो के चलते हैं भाई। मेरे यहाँ पे तीन चार हैं आसपास महिंद्रा के शोरूम, तो इन तीन चारों में देख के आते हैं आज। क्या हिसाब किताब, मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि आज ही बुक हो जाएगी। रीज़न क्या है, मतलब सब चीज़ें देखनी पड़ती है कि डिलीवरी कब तक मिल जाएगी, वहाँ हमारा फेवरेट जो कलर चाहिए वो कलर अवेलेबल होगा या नहीं होगा, तो जाके देखते हैं भाई सब कुछ। मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गया था, एक बार अंकल आ जाए फिर चलते हैं। मैं तब तक कुछ खा लेता हूँ, फिर से चलते हैं थार देखने के लिए कि क्या कोटेशन वगैरह सब वहाँ जाके देख लेंगे फिर हम। तो भाई फिलहाल एक कहानी में ट्विस्ट आ गया है। अब मैं शोरूम नहीं जा रहा बातचीत करने के लिए, मैंने फ़ोन पे कर ली थी, वेटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है गाड़ी पे। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, रोहिणी भैया और साहिल हैं साथ में, कुछ काम था वहाँ से रोहिणी जा रहे हैं, और उसके बाद आके आज शाम को मैं मनाली निकल जाऊँगा। भाई फिलहाल साहिल को हमने शॉप पर ड्रॉप कर दिया था, मैं और भैया आए खा लिया। अब हम जा रहे हैं दुकान देखने के लिए, जिस दुकान की बात कर रहे थे उस दुकान को देखने के लिए जा रहे हैं हम। यहाँ से टाइम लग जाएगा 20 मिनट के आसपास। भाई अभी मैं आ रखा हूँ फिलहाल पश्चिम विहार में। आज भाई दिल्ली के जाम ने तो मेरा नाश कराया ना, मेरे इतने काम रुकवा दिए, और एक मेरा काम था कुछ 5 बजे, मेरे को मेरा काम नहीं हो पाया सिर्फ इस जाम की वजह से। अब जाम लग गया था, काम छूट ही गया, तो मैं चल ठीक है जो यहाँ पे बचा कुचा काम था वो पूरा ही करके चलेंगे हम। तो फिलहाल मैं यहीं पर हूँ वो काम पूरा करके, और मेरे को अभी मनाली की घर जाके पैकिंग भी करनी है। मेरा कुछ कपड़े वगैरह पैक नहीं किए, शाम को मतलब रात को मनाली निकलना है 8-9 बजे, तो उसकी पैकिंग करनी है आज भाई। मतलब जाम ने इतना गंदा नाश कराया ना मेरा, इतना गंदा नाश, पछता रहा हूँ जाम से। अभी फिलहाल मैं जस्ट घर आया था, 7 बजे आके मैंने कुत्ता घुमाया था। यहाँ मम्मी ने सामान फैला रखा है जो मेरे को लेके जाना है। अभी पैक करते हैं और फटाफट चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैंने सोचा मैं 4 बजे तक आ जाऊँगा, बट यहाँ पे टाइम बच गया 7, तो भाई पूरे पूरे 3 घंटे का फ़र्क आ रखा है। 3 घंटे मेरी ट्रेन लेट चल रही है इस टाइम पर। भाई फिलहाल टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। अब रमन भाई साहब की आज मीटिंग थी, उसकी मतलब जॉब वगैरह किसकी मुझे पता नहीं, वो आ रहा है, अब आ रहा है, उसने बोला 5 मिनट में आ रहा हूँ। फिलहाल अब वो आएगा, सामान वगैरह सब पैक कर लिया। सामान मैं आपको दिखा दूंगा क्या है, ये बंदा आप कह रहा है मेरे को भी ले चलो। अरे मजाक, मजाक भी चल रहा हूँ, मजाक में बोल रहा है, सीरियस में नहीं जाएगा, पीछे बैठ जाऊंगा मैं, सीरियस में नहीं जाएगा। अगर मैं सभी बोलूँ ना चलने नहीं जाएगा, मुझे पता है इसका भरोसा है मुझे, इस पे चलना होता पहले भी हाँ बोल देता। तो अभी चलते थोड़ी बहुत देर में। आज का व्लॉग मुझे पता है थोड़ा छोटा बनाऊंगा क्योंकि आज मेरे पे बहुत मैं बिजी था, यहाँ से वहाँ भगदड़ी होती रही मेरे साथ, थोड़ा दिन अच्छा भी नहीं गया आज का, बट शायद रात अच्छी जाएगी। तो फिलहाल अभी घर से चलते हैं, रमन आ रहा है 5 मिनट में, सामान दिखाता हूँ भाई साहब इन्होंने क्या क्या सामान मंगाया, सिलेंडर, बर्तन, टमाटर, प्याज, मैगी, दुनिया भर की चीज़ें मंगाई है, खुद ही खाते पीते चलेंगे पूरे रास्ते, तो दिखाता हूँ फिर मैं आपको। तो भाई ये आ गई अपनी गाड़ी, सामान ये 3 लोगों का। अरे तू मत बैठ, सामान पे मत बैठ, क्या घोसे तो इसमें। तो भाई अभी हम घर से निकल चुके हैं, जय श्री राम करके चलते हैं सीधा। फिलहाल अभी अगर चेतन को उठाना है, अभी ये दोनों आए थे खाली, बट दिक्कत क्या आ रही है भाई, गाड़ी में स्पेस की दिक्कत आ रही है। ओ भाई 7 सीटर वाले, क्या है ये 7 सीटर वाले, भाई दो 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 छोड़, अभी 3 का स्पेस भर गया इसका पूरा। एक एक कट्टे को सिर का जाओगे तो कोई कितनी ये गाड़ी लेगी। भाई इतने क्यों लाए मुझे पहले बता, कम पड़ जाएंगे ये भी, ये भी कम, ये भी कम पड़ जाएंगे, ये भी कम पड़ जाएंगे भाई, मजाक की बात ना। और ना तो तीसरे दिन देख लिए गुस्से की महामारी हो जाएगी खत्म, हम गामा में भटकते आएंगे। तो भाई यहाँ चेतन भाई के पहुँच गए हैं, ये अब चेतन भाई अच्छे फिक्सिंग करेंगे सामान की, कहाँ पे क्या रखना है एकदम बड़े तरीके रखेंगे। पेटी में क्या है भाई, पेटी में क्या है रे, वो ले अपनी है? खाने पीने का सौदा। अच्छा खाने पीने, पीने का तो खाने का है ना, पीने का नहीं है, खाने का सौदा। हाँ फिर ठीक है, अभी यहाँ से चल लेंगे। और टाइम कितना हो रहा है, फोन में फोन दिखाई रहा है, अरे फोन दिखाना, टाइम बता। टाइम हो गया भाई 10:31 हो रहे हैं, टाइम लेट हो गया फिलहाल तो। वैसे हम ये चल रहा फोन ही फोन दिखा रहे हैं, सारे के फोन दिखा रहे हैं। हाँ तो सुन, हम तो व्लॉगिंग करेंगे आज तो, और मैंने वही नाम रख दिया। अरे बेकार, ठीक है तू नाम DL43 वाला। हाँ वो ठीक है, छोरा वोरा मतलब आई हो क्या, वीडियो स्टार्ट है मेरी तो, अरे फोटो खींच दी, स्टार्ट है मेरी। जय श्री राम। तो भाई अभी हम घर से, एक मिनट रुक जा। तो भाई अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, सारे
मतलब फिट कह रहा हूँ, फिट हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। ये अपना कैमरा खोल के ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है। चेतन भाई भी आज कर रहे हैं, अपने पहला बार शुभारंभ हो रहा है, तो इसी शुभारंभ पे क्या बोलना चाहिए हमें? जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाई चलो शुभारंभ हो गया, चलते हैं। क्या बोलना है बता दे। ठीक है, 3 2 1 हर हर महादेव। तो भाई फिलहाल हम केएमपी पे चढ़ चुके हैं, ये हमारे ड्राइवर भाई साहब और ये तीन पीछे बैठे हुए हैं तीनों, और फिलहाल हम यहाँ सीधा 100 किलोमीटर बाद रुकेंगे, वो देखा जाएगा। अम्बाला है पानी पता ना, जहाँ भी रुकेंगे वो 100 किलोमीटर बाद ही रुकेंगे। फिलहाल टाइम हो रहा है 11:24 हो रहा है, तो चलते हैं भाई। तो भाई अभी हम क्या था, पेट्रोल पंप पे रुके थे, केजरीवाल जी हमारे साथ, पर इन्होंने बोला इस पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही नहीं है आज। ये भी अलग है, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे हमें पेट्रोल ही नहीं मिला। चल यहाँ पे हाँ जीरो देख रहे, जगह बता दे, बालगढ़। हाँ तो भाई यहाँ पे रुके, मूर्थल के आसपास आती जगह। फिलहाल पेट्रोल भरवा रहे थे, पेट्रोल था नहीं इसमें, वो तीन अंदर ही है, मैं और रमन नहीं है, बाहर आए देखने भाई। गाड़ी वैसे लाल तरह से गंदी हो रही है थोड़ी बहुत, तो बाकी जा रहे हैं वहाँ जाके, तो वैसे भी गंदी होनी ही है, अगर सामान निकालो अगर रुकी है गाड़ी तो। तो भाई फिलहाल ड्राइवर चेंज हो रहे हैं, इसको देखो फुल जोश मार नाश्ता हुआ, तो ड्राइवर चेंज करते हैं। आज वाले व्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ। अभी हम रास्ते में हैं, यहाँ से अम्बाला फिलहाल है 75 किलोमीटर दूर, अभी रास्ते में ही हैं, कुछ स्टॉप वगैरह भी नहीं लिया फिलहाल, हमने 2 दिन टोल गए हैं। तो आज के व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, अभी ये 3-4 दिन तक मनाली सीरीज ही चलेगी, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।